एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेना के जवानों द्वारा भोपाल से दिल्ली साइकिल रैली का तीसरे दिन रजवांस मालथौन आगमन पर फूल मालाओं, पुष्पों की वर्षा कर और भारत माता की जयकारों से जोरदार स्वागत किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत नेपाल भूटान सीमा के प्रहरी सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा भोपाल से दिल्ली साइकिल रैली निकाली जा रही है। मालथौन आगमन पर नगर के गणमान्य नागरिकों, युवाओं ने जवानों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। मालथौन की नवीन कृषि उपज मंडी में पड़ाव हुआ। 19 सितंबर को सशस्त्र सीमा बल के जवान आर के भुंबल महानिरीक्षक और राज्यपाल द्वारा भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। बीते दिन राहतगढ़ वासियों द्वारा में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज मंगलवार को भारत माता के जवान मालथौन क्षेत्र की धरा में प्रवेश हुए, जहां उनका क्षेत्र वासियों जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। यह रैली 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दिल्ली पहुंचकर नमन करेगी। वार्तालाप में जवानों ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जगह जगह सैल्यूट भारत माता की जयकारों से स्वागत किया गया, जिससे रैली का मनोबल दोगुना हो गया। सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के रैली कमांडर आर के भुंबल ने कहा कि हमारा खून का एक एक कतरा भारत माता के प्राणों पर न्यौछावर है। देश की सुरक्षा के हमारे जवान हमेशा बलिदान देते आए हैं, हमेशा देश रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। आगे कहा कि यह साइकिल रैली भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति के साथ साथ 75 साल की प्रगति और विकास की याद दिलाती है। रैली का उद्देश्य देश की जनता युवा वर्ग सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। साइकिल रैली की अद्भुत विशेषता है कि इस रैली में प्रतिभागी जवान निरंतर राइड करके नई दिल्ली राजघाट पहुंचेगी। सुबह रैली से ललितपुर के लिए प्रस्थान करेगी। बुधवार को एक और साइकिल रैली का मालथौन आगमन होगा और 23 सितंबर को संभवतः एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के लिए मालथौन से सुरेंद्र जैन के साथ पराग जैन की रिपोर्ट। आयोजन किया जा रहा क्या है सर? भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष के दौरान भारत अमृत महोत्सव का जो पर्व मना रहा है, जो साइकिल रैली हमने भोपाल से शुरू की है सशस्त्र सीमा बल ने, कि 900 किलोमीटर का फासला तय करके 2 तारीख को राजघाट पर भारत अपने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करेगी। इसका मकसद ये है कि आम जनता जो है उससे अपने साथ जोड़ना और अपने कर्तव्य बोध करवाना। हर एक नागरिक की, हर एक शहरी की जिम्मेदारियां हैं और हर एक का अपना किरदार है भारत की उन्नति में, तरक्की में। तो यही है कि सिर्फ जो सेनानी सैनिक जो अपना बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उसी तरह से हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए, यही इस रैली का मकसद है।